सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला, एससी ने कहा जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर रोक बरकरार, दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई, पूरे देश में रोक नहीं। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थगित बरकरार रहेगी, इस मामले पर सुनवाई दो हफ्ते बाद की जाएगी, यानी दो हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दिस्त्यत दवे और कपिल सिम्मल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एस नागेश्वर राय और जस्टिस की बेंच के सामने की गई। इधर कांग्रेस के 15 सदस्यों को एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं, पुलिस सहयोग कर रही है। हम यहां लोगों को यह बताने आए हैं कि यह धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।